राहुल गांधी के मुद्दे पर मचा है राजनीतिक घमासान। राजनीतिक घमासान के बीच भी चुप है नीतीश कुमार। राहुल गांधी के समर्थन में नीतीश ने नहीं दिया कोई बयान। क्या नीतीश कुमार फिर से करने वाले हैं बिहार में बड़ा उलटफेर? देश में इस समय हंगामा मचा हुआ है और उसकी वजह है विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता का जाना, जिसके चलते लगभग सभी विपक्षी दल कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में लामबंद होने लगे हैं। लेकिन एक बड़ा नेता एकदम चुप है और उसकी चुप्पी सबको खल रही है और चुप्पी से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जो राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर एकदम चुप नजर आ रहे हैं। अब सबके मन में सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार इस चुप्पी की वजह क्या है। चलिए उसकी वजह हम आपको बताते हैं, बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। क्यों चुप हैं नीतीश कुमार? दरअसल ऐसे समय में जब कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और उनकी संसद सदस्यता रद्द किए जाने पर ज्यादातर विपक्ष उनके समर्थन में उतर आया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मामले पर चुप्पी बेहद पेचीदा है। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड ने राहुल गांधी के समर्थन में विधानसभा के अंदर हुए प्रदर्शन से भी खुद को दूर रखा। यहां तक कि जनता दल यूनाइटेड का कोई भी विधायक महागठबंधन के उन राजनीतिक दलों में शामिल नहीं हुआ जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा, सीपीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल थे और विधानसभा में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन जेडीयू इनमें शामिल नहीं थी। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी की सजा और उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के मुद्दे पर भाजपा पर हमला करने में नीतीश कुमार विपक्षी समूह में शामिल होने से कतरा क्यों रहे हैं? इस सवाल के जवाब में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें कुछ राजनीति के पंडितों का कहना है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार एक और राजनीतिक उलटफेर करने का अवसर तलाश रहे हों। बीजेपी पर हमला करने से बच रहे नीतीश। दरअसल ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू राहुल गांधी का समर्थन करती तो उसे बीजेपी पर हमला करना होगा और शायद नीतीश कुमार बीजेपी पर सीधा हमला करने से बचते हुए दिख रहे हैं। यही वजह है कि लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह नीतीश कुमार के मन में उलटफेर की बात चलने से है। राहुल गांधी के समर्थन में तेजस्वी। नीतीश कुमार जहां चुप नजर आए वहीं उनके साथी तेजस्वी यादव राहुल गांधी के समर्थन में दिख रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि दोनों नेताओं का एक मत ना हो, आगे जाकर महागठबंधन में टूट की वजह बन सकता है और अगर ऐसा होता है तो बिहार को फिर से एक और बड़े उलटफेर के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार जब जब चुप हुए बिहार में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी नहीं होगी क्योंकि उसे सबसे ज्यादा बिहार और महागठबंधन से ही डर है। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही राजनीति से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।